लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन भी हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम गुजराल्स की कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी की 15th सब्सिडियरी है और वो भी एक साल में दूसरा टेक ओवर। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है, हम बहुत जल्द एक और कंपनी को टेक ओवर करेंगे और वो हमारी 16th सब्सिडियरी होगी। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि उस कंपनी का मालिक यहां पर मौजूद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन द स्टेज ताकि वो आपके सामने अपने दो शब्द कह सके, हमारी खुशियों को दुगना कर सके। He is none other than Mr. Sujal Garewal. हेलो एवरीबॉडी, अभी अभी कार्तिक ने आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन वो आप लोगों को ये बताना भूल गया कि ये पार्टी सिर्फ गुजराल्स को टेक ओवर करने की खुशी में नहीं है, बल्कि गरेवाल्स के दो नए ब्रांड वेक्टर और एलिगेंस के लिए भी। जी हाँ, मैंने हाल ही में यूके बेस्ड कंपनी मैगजील्स एंड डिस्टिलरीज के साथ एक डील साइन की। एक और गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और जिसके साथ इस पार्टी की खुशी को दोगुना करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले मैंने मिस्टर आलूवालिया से एक लोन लिया, आज मैं उनका लोन चुका रहा हूं। चेक को चेक कर लो, फिगर्स कंप्लीट है ना, अब तुम्हारे और मेरे बीच कर्ज और फर्ज का कोई रिश्ता नहीं बचा। अब मैं कार्तिक से गुजारिश करूंगा कि वो माइक के पास आकर अपने दो शब्द कहें और मेरी खुशियों में शामिल होकर उन्हें दोगुना करें। Now, this is what makes me extremely happy. आखिर मेरे बेटे ने जंग जीती ली। उसने जैसा कहा था
बिल्कुल वैसा ही किया है। आज सूजन ने हमें एक बार फिर इज्जत से सर उठाने का मौका दिया है। वो अपनी जिंदगी की हर शर्मिंदगी से बाहर निकला है। सूजन ने बिजनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, अब अगर ऐसे ही वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा तो सूजल और कशिश जल्दी एक साथ होंगे। सिर्फ उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा माँ। तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं? अब जो करना है उन दोनों को करना है। बिब्बी ने तो सारी कोशिश कर ली मगर वो कशिश। ऋषि, कशिश तुम्हारी भाभी है, सोच समझ कर बात किया। सॉरी माँ, पर देखे ना माँ, कशिश बिब्बी को रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब ये कि अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया, यानी कि अब कुछ करने का वक्त आ गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन हो गया। अब तुम चारों से मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए नहीं कहोगे? सूजल, तो क्या हुआ? हमारे हर बात चारों से ही शुरू होती है और चारों पर ही खत्म होती है, क्या ये सच नहीं है? ऐसी बात नहीं है सूजल। वेरी गुड, तो चलो फिर अपने बारे में बात करते हैं, तुम्हारे और मेरे बारे में। हमारे बारे में बात करने के लिए ये सही जगह और सही वक्त नहीं है। सामने डांस फ्लोर है, वहाँ चलते हैं। जिस तरह हम पहले भेंट में बातें करते थे, लेकिन फिर भी अपने आप में रहते थे। तना सिर्फ मैं, सिर्फ तुम। चलो इस दुनिया से कट जाए और एक दूसरे में बढ़ जाए। ये वेटर को कशिश से टकराना चाहिए था, उसके साड़ी पर ड्रिंक गिराना चाहिए था। फिर उसके बाद बिग्बी कशिश को रूम में ले जाते, दोनों और करीब आते, मगर ये वेटर ना, वेटर ही रहेगा साला। ऋषि, तेरा प्लान अभी पूरी तरह से फ्लॉप नहीं हुआ यार। भैया भाभी अभी एक दूसरे के करीब ही है। अब एक खोजू, मैं उन दोनों को और करीब देखना चाहता हूँ। मैं उन दोनों के बीच में मेरे महबूब का नहीं, मर्डर फिल्म का सीन देखना चाहता हूँ, समझ रहे ना? अरे तेरी तो यार, अभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कशिश बिब्बी के और करीब आ जाए। लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? वही सिंपल है, कशिश को चैलेंज करके यार का सुपर हिट चे फॉर्मूला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा मैं, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है और तू उसे पाना चाहता है तो किसी और लड़की पर चले जा। नहीं समझा? देखा मन, जब ट्रायंगल की बात आती है ना तो हर एंगल सही हो जाता है। ऐसे क्या देख रहा, अभी तक नहीं समझा? मुझे देख, ऐसे मत देख, प्यार हो जाएगा। लेकिन मैं मुझे ऑफिस में जाना है। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। एक्सक्यूज मी, क्या बात है बिग्बी, आप डांस नहीं कर रहे? कशिश ने मना कर दिया। नहीं, कशिश ने मना नहीं किया ऋषि, मैं खुद ही उसके साथ डांस नहीं करना चाहता। अरे छोड़िए ना बिग्बी, जरूर कशिश ने आपको मना किया। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं जिसके साथ डांस करना चाहूँ कर सकता हूँ। क्या बिब्बी आप मेरे डायलॉग्स मार रहे हैं? खैर, मैं तो बस आपको डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। फिर आप कशिश के साथ डांस करें या फिर किसी और के साथ, ऑलवेज वांट टू सी यू हैप्पी बिब्बी, ऑलवेज।
एक्सक्यूज मी, शैल वी डांस? इसमें समंदर की गहराई भी है और मोहब्बत की जुदाई भी है। थैंक यू। है ना कशिश? इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है ना, तुम्हारी मुस्कुराहट में वो बात है जो दिलों को धड़कना सिखाती है। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। तुम्हारी मुस्कुराहट में वो बात है जिसे देखकर लोग जलने लगे। ओ, तो सुजल चाहता है कि मैं उसे किसी और के साथ देखूं। चल, लेकिन मुझे अच्छा भी तो नहीं लगा। मुझे ये चलन सी क्यों हो रहा है? कौन सी कशिश है जो मुझ में करवटें ले रही है? आज हम सुजल जीजू के लिए बहुत खुश हैं। आज उन्होंने कार्तिक को मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत अच्छा किया। वो तो ठीक है, लेकिन चारू यहाँ क्यों आई है? I'm sure दी, चारू इस पार्टी को बर्बाद करने आई है। एक बार फिर से हम सबकी खुशी को छीन लिया, लेकिन आज हम उसे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। चारू ये बात समझती क्यों है कि जीजू के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? अगर हमारे बीच चारू ना होती तो शायद। मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आए हो। तुम दोनों ने फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया है ना? फिर वही पुराने दिन, वही पुरानी कभी किसी वक्त जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी एक लम्हे के लिए मैंने तुम्हें अपने घर, अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था। उस एक लम्हे की कदर करते हुए मैं तुम्हें यहां से जाने दे रहा हूं। तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम कशिश की बहन, मेरी पत्नी, ये भूलने में मुझे सिर्फ एक पल लगा, और तुम्हें यहां से जाने में भी एक पल लगा। एक पल में सतिया मिटा दूं, सब कुछ बुला दूं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ। जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारी कसम खा के कहती हूं, मर जाऊंगी। हाँ कशिश, ऊपर हमारा जो कमरा बुक्ड है वहां से टेक ओवर्स के पेपर्स प्लीज ले आओ, रूम 402। जी मिस्टर आलूवालिया। राहुल, तुम जानते हो कशिश कहाँ? देखा तुमने उसे? सुजल, तुम शायद कशिश को ढूंढ रहे हो, राइट? वो ऊपर रूम नंबर 402 में कुछ पेपर्स लेने गई है। थैंक्स। यू आर वेलकम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। इसमें आपने क्या पी रहे? कोई चीज पी रहे थे। एक्सक्यूज मी। So, Mr. Karthik,
आई एम श्योर तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसे लगता है जैसे किसने तुम्हें जोर से तमाचा मारा है। वैसे तुम कोई सी लायक कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दिल तो कर रहा है कि तुम पर तरस खाओ, क्या करो, टाइम ही नहीं है ना। वो देख, मेरा प्यार शिवांगी मेरा इंतजार कर रही है। बिहेव योरसेल्फ। चुप। वो देख, मस्त लग रही है। शिवांगी, श्री जी। डर गए? नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।